नमस्कार, मैं हूँ ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं livecities.in। livecities में आज हमारे साथ मौजूद हैं नमिता सिन्हा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमिता सिन्हा बहुत ज़्यादा टाइम से तकरीबन 23 साल से कनाडा में रही हैं और वो अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम जानना चाहते हैं इनसे कि जब ये कनाडा गई तो इंडिया से जाने के बाद इन्हें वहाँ जाके कितने तरह के प्रॉब्लम्स हुए, पूरी लाइफस्टाइल क्योंकि एक चेंज हो जाती है। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गई थी तो इनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, इन्हें कैसा वहाँ फील हुआ क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ किस तरह से रहते हैं, अपने पेट्स के साथ किस तरह से रहते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। तो आज हमारे बीच जो नमिता सिन्हा मैम मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि कितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं लाइफ में और कैसे उससे निकल कर वो वहाँ पे 23 साल रह कर आई हैं। तो जैसे आप यहाँ पे गए थे, आपको इंडियन से कम्युनिकेट करने का मौका मिला, कभी आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से अगर उन्हें पार्क में खिलाने ले जा रही हो तो मिली, या फिर टेम्पल्स में जाके आप इंडियन से मिली। कभी कभार आप 23 साल से, तो बहुत सारा ऐसा टाइम हुआ होगा कि इंडियन फेस्टिवल आपको वहीं पे बिताना पड़ा होगा, ऐसा टाइम मोस्ट ऑफ दाइट। तो वो सब आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे वहाँ पे? ऐसा कुछ कम्युनिटी हॉल होता था या फिर कुछ हो, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते थे? एक्चुअली हम बहुत सारा वॉलंटियर वर्क करते हैं और इंडियन कम्युनिटी से जुड़ के करते हैं। तो होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हॉल रेंट किया, फिर किसी पॉपुलर सिंगर डांसर्स को बुलाया। इंडियन रहते हैं या नहीं? इंडियन रहते हैं सभी। हाँ, तो वो सारे फेस्टिवल्स में आते थे? डिपेंड करता, कभी किसी को बुलाया, कभी जैसे आदित्य नारायण को बुलाया, अभी लास्ट ईयर राहत फतेह अली खान को बुलाया। तो इंडियन वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होते हैं इंडियन फेस्टिवल? जैसे यहाँ पे होली है तो आप पूरे शहर में पता चल जाता है। पानी तो नहीं करते हैं। ओके, सूखा रंग थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे वेंट्स लगे होते हैं ना टेम्परेचर कंट्रोल करने, तो उसमें अगर रंग चला जाए तो ख़राब हो जाता है। ओके, तो सूखा रंग थोड़ा सा अभी, लेकिन खाना पीना पूरा होता है, मिलना जुलना हो जाता है कि हाँ गैदरिंग हो जाती है, फैमिली गैदरिंग या फिर गेट टुगेदर टाइप का ऐसा कुछ हो जाता होगा। और दिवाली एंड बाकी फंक्शन? दिवाली है बहुत अच्छे से दिया जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, पटाखा दिया अलाउ है एंड पटाखा वहाँ पे पॉपुलर। फुलझड़ी क्रैकर्स नहीं? क्रैकर्स आवाज वाले तो बिल्कुल नहीं। ओके, पर वो भी एक रूल है कि खुले मैदान में ही जाके करना होता है। अब जैसे हम इंडियन में होता है कि छत पे या अपने घर पे ही कर दिया, वैसा नहीं कुछ कर सकते हैं। खुले मैदान में आप जाके सेलिब्रेट। पर अक्टूबर नवंबर में दिवाली होता है, उस समय ठंड हो जाती है तो फुलझड़ी जलाते हैं, वो ठंड से बचने का भी रहता है। एंड दूसरा ये जैसे होता है कि बिहार में सबसे बड़ा जो पर्व है छठ पर्व, तो कभी ऐसा हुआ कि आप छठ में वहाँ पे रही हो? हाँ, तो वहाँ पे छठ का ऐसा कुछ है? कोई लोग छठ वहाँ पे करते हैं, वहाँ छठ मनाया जाता है। तो कैसा आप यहाँ का भी, आपने इंडिया का भी, बिहार का भी छठ देखा है एंड वहाँ का भी, तब आपने कनाडा का भी देखा, तो कैसा लगा? यहाँ का तो बहुत ही विस्तार में होता है वहाँ पे छोटा, पर हाँ वहाँ भी बहुत मजा आता है। जितने इंडियंस लोग हैं, जानते हो या नहीं जानते उस फैमिली को, लेकिन मिलते हैं, और इतना ज्यादा मतलब है, यहाँ तो हर छत के ऊपर एक छोटा सा बनाया जाता है। वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं या नहीं इंडियन फेस्टिवल्स को? बहुत ज्यादा, यहाँ से ज्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ से ज्यादा वैल्यू देते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। कौन सा फेस्टिवल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है? मेरे बच्चों को दिवाली। नहीं, वहाँ के लोगों को? उन लोग को भी दिवाली ज्यादा पता चलता है क्योंकि सब इंडियंस के घर में लाइट लग जाते हैं। एंड होली के खाने वगैरह वैसा कुछ, मतलब वो तो इंडियंस के बीच में ही होता है, गोरे लोग को नहीं आते नहीं पता। वो नहीं आते, कम उनको पता नहीं, फिर सब हिंदी में बात करते हैं तो उन लोग उतना एंजॉय नहीं करते हैं। पर दिवाली उन लोगों को पता होता है, घर के आगे लाइट्स लग गए तो वो दिवाली। तो जैसा दिवाली में वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर होता है मंदिर में? होता है सिर्फ मंदिर में, फिर कम्युनिटी में होता है। और दिवाली पार्टी में आप सिर्फ इंडियंस रहते हैं या फिर वहाँ के लोग भी? अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हम इनवाइट करना चाहें तो जाते हैं, पर उन लोग बोर होते हैं ना, क्योंकि इंडियन फेस्टिवल में इंडियन सॉन्ग्स हैं, इंडियन डांस है, हम बातें हिंदी में कर रहे हैं। आजकल कार्ड पार्टी बहुत चल रही है, तो वहाँ पे क्या रहता है दिवाली में? कार्ड पार्टीज वगैरह चलते हैं या पूजा पूजा हुआ गाना नाच?
खाना। ओके तो मतलब जैसे इंडिया में कार्ड पार्टी आजकल बढ़ती जा रही है वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। वही तो वैल्यू, जो इंडिया का बेसिक वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे भूलते जा रहे हैं, पर विदेश में हम लोग अभी भी वो वैल्यू पकड़ के रखे हैं, पूजा करते हैं ट्रेडिशनल वे में। हाँ। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में वो सब कुछ धीरे धीरे हम खत्म होते जा रहा है, बट इंडिया के बाहर अभी भी उस चीज की रिस्पेक्ट है। आइदर वहाँ पे जाके इंडियंस ही करें या फिर इंडियन की तरफ से वहाँ के लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इवन दो यहाँ वहाँ पे चाहे वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, इंडियन सभी मिलके एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं। ऐसा कुछ पार्शियलिटी आपको कभी फील हुआ कि आप अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडिया, मतलब अगर आप इंडियन हो तो आपके साथ कुछ पार्शियलिटी की गई हो, या फिर आपके बच्चों के साथ स्कूल में कुछ इस तरह का? नॉट रियली नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि अगर एक स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट में जाने पे अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, इंडिया में तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंग्वेज। हमारे साथ तो हुआ नहीं कभी ऐसा, पर थोड़ा बहुत मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे होते हैं। मुस्लिम्स? हाँ। ओके। नहीं पर मुस्लिम्स भी, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम हैं और हम लोग उनके ईद में जाते हैं, वो लोग हमारे होली दिवाली में आते हैं, तो लगता नहीं वहाँ पे इतना अंतर डिफरेंस नहीं है हिंदू और मुस्लिम्स का। नहीं फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट कुछ पार्शियलिटी करती है क्या, या कुछ प्रॉफिट देती है? नहीं गवर्नमेंट तो पार्शियलिटी नहीं करती, बट मुस्लिम्स के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है इतना ना। ओके। अमेरिकन्स तो एकदम ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। और कनाडा की गवर्नमेंट एनआरआईज को कुछ प्रॉफिट देती है, उसको क्या क्या किस तरह से, मतलब आप जैसे आप इंडिया के बाहर कहीं भी जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट से ही आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर बहुत तरह के आपके ऊपर पहले से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वैसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं। कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियंस को जैसे ट्रेड करता है, अगर इंजीनियर्स हो तो, डॉक्टर हो तो, उनको जल्दी वीज़ा मिलता है वहाँ पे आने के लिए। हाँ अभी है कि अब बूढ़े लोगों को आने पे अब टाइम। तो फिर भी एनआरआई का वहाँ पे किस तरह से कुछ तो होगा, कुछ मतलब कुछ डिफरेंट आपको यहाँ से लगा कि कनाडा की गवर्नमेंट कुछ आप एनआरआई के लिए हेल्थ बेनिफिट है वहाँ पे कनाडा? अगर आप कैनेडियन हो सिटीजन तो हॉस्पिटल्स फ्री हैं, हॉस्पिटल्स फ्री हैं, बच्चों का स्कूल ग्रेड 12 तक फ्री है। वो अगर आपको कनाडा का सिटीजनशिप मिला हुआ है तो? हाँ। अगर आपको नहीं मिला फिर भी आप वहाँ पे रह रहे हो फिर तो भी हॉस्पिटल्स फ्री हैं? फ्री हैं। हाँ। पर आप, हम लोग जैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं तो मेरे ऑफिस के थ्रू प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो उसमें कि हम चूज कर सकते हैं हमको प्राइवेट रूम चाहिए, हमको सेमी प्राइवेट रूम चाहिए हॉस्पिटल्स में। मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में थे 6 महीने तक। ओके। तो ऐसा नहीं, अगर वहाँ पे उस सेम हॉस्पिटल में सेम फ्लोर पे कोई एमपी भी था तो ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं या जनरल आदमी को। उसमें ऐसा भी एक आदमी था जिसको कोई लेने वाला नहीं था, पर उसको मतलब उसके घर वाले छोड़ दिए थे, वो आदमी वहाँ पे ही था तो वो हॉस्पिटल में रह रहा था क्योंकि कहीं नहीं जाना, उसका घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो हॉस्पिटल को उस बात से कोई ऐतराज नहीं था? ऐतराज था क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी कम रूम, मतलब जगह नहीं थी उतनी, पर उसको सड़क पे निकाल के नहीं छोड़ सकते, ह्यूमैनिटी वहाँ पे बहुत है। तो आपको वहाँ की ह्यूमैनिटी और यहाँ की ह्यूमैनिटी में क्या डिफरेंस? यहाँ पे जैसे मेरे पापा ही बीमार थे तो सबसे पहले आपको पैसा जमा करना तब इलाज शुरू होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं। आप हॉस्पिटल पहुँचे हो आपका वो इलाज करेंगे, पैसे का राइट अवे कोई बात नहीं होती है। अगर मेरी, अगर आप लोग कोई भी जाता है वेजिटेरियन, आप बीमार होते हो हॉस्पिटल में जाते हो, आपका पहले ट्रीटमेंट होगा फिर पैसे की बात होगी। एंड व्हाट अबाउट अगर आपके पास पैसे कम हैं, जैसे यहाँ पे बहुत जगह होता है कि कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो? तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कम्युनिटी सपोर्ट करती है, बहुत सारा ऐसा। गवर्नमेंट सिर्फ अपने सिटीजनशिप वालों को सपोर्ट करती है या फिर एनआरआईज? एनआरआईज को डिपेंड करता है किस क्या है, अगर अगर सर्जरी होना है बहुत महंगा, अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर 2 दिन में सर्जरी नहीं होती है वो मरने वाला तो होगा ही। ऐसा कुछ होता है क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट, अगर आप इंडिया से, इंडिया
इंडिया का कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर रही, कुछ ज़्यादा महंगी सर्जरी है, कुछ महंगा इलाज है, तो ऐसा भी होता है क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट से डिस्कस करेगी कि आपका एक पेशेंट है उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है फिर भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ वो लोग हेल्प मांगते हैं, ऐसा छोड़ नहीं देते, बिल्कुल हेल्प मांगते हैं। वहाँ पे पेट्स को भी है कि अगर पेट्स बीमार हो गया तो छोड़, हम अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट पर, हाँ गवर्नमेंट अफोर्ड करती है पेट्स के लिए, पेट्स के लिए भी करते हैं। ऐसा कुछ होता है मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, पेट्स के भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट पेट्स हॉस्पिटल भी हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जैसा आपने बताया कि वहाँ तो रूल्स ही हैं कि पेट्स को आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही देना है, आप अपने बच्चों की तरह उसे रखोगे, इंडिया में भी रखते हैं लोग अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे, आपको चार्ज छीन लिया जाएगा, पेट्स आपको जेल हो सकती है, जेल भी हो सकती है अगर किसी ने देखा आप अपने पेट को मार रहे हो, व्हाट अबाउट अगर आप अपने बच्चों को मार रहे हो तो भी आपको जेल, वहाँ पे भी जेल हो सकती है, इंडिया में आपसे बच्चे छीन लिए जाएंगे, बच्चे छीन लिए जाएंगे, बच्चों को कहाँ रखा जाएगा फिर, शेल्टर में, शेल्टर होगा, शेल्टर में दे देते हैं, और फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वार्न करने के वार्न करते हैं, पर आप प्रूफ कीजिए अपने आप को कि हाँ एक बार गलती हो गई, एक बार अगर चांस दिया भी गया दोबारा हुई तो आप बच्चे नहीं, अगर बच्चे खुद चाहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है, मार रहे हैं पेरेंट्स फिर भी बच्चे चाहते हैं कि जैसे इंडिया में होता है कि पिटाई खा गए फिर भी हम तो भी अंडर द आई रहते हैं, लाइक पुलिस आई रखती है कि क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इवन पेट्स को भी अगर किसी ने शिकायत की तो चलो एक बार हाँ गलती से हो गई तो वो लोग अंडर आई रखते हैं, हमेशा चेक करने आते रहते होंगे कि हाँ आपने ठीक से रखा है या नहीं अपने बच्चों को या अपने पेट्स को। ओके, तो आपने अभी देखा कि इंडिया की लाइफस्टाइल और इंडिया से बाहर की लाइफस्टाइल, कनाडा की लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, वहाँ के रूल्स कैसे हैं, उन्हें किस तरह से फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे, चाहे बच्चे हों, पेट्स हों, या फिर पॉपुलेशन या पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक रूल हो, हर तरह का एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।